हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं बबीता, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। अभी रियांशु पढ़ाई कर रहा है, सुबह का मॉर्निंग का टाइम है, 9:30 हो गए हैं और अभी इसकी ऑनलाइन क्लास चालू थी, अभी कंप्लीट हुई है और अभी ये पढ़ाई कर रहा है यहाँ पर। और रियांशु ने बहुत ही अच्छे कार्ड्स बनाए, वो भी आपको ये आपके साथ शेयर करेगा। रियांशु तो दिखाओ अपने कार्ड आप। बोलूं? बोलो। ये बुक का भी अजीब ही है, हर क्वेश्चन में सवाल के सवाल के सवाल। चलिए मैं दिखाता हूँ। फर्स्ट कार्ड है मेरे पापा के बर्थडे का, ये देखिए ये कार्ड अंदर से, देखिए वेरी नाइस ब्यूटीफुल। ये केक भी बनाया है, ये पूरा लिखा है बलून्स, ये अंदर से देखिए और ये लास्ट पेज। वेरी नाइस, बहुत दिखा। हाँ सेकंड दिखाओ, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड बनाता है रियांशु। नेक्स्ट है मेरी मम्मा का बर्थडे का कार्ड, ये देखिए वेरी नाइस ब्यूटीफुल है, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। और ये लास्ट, वाव, ड्राइंग आती है ना इसलिए कार्ड में ना आइडियाज आते हैं। ड्राइंग की इसको बहुत ही इसकी बहुत पसंद है ड्राइंग करना इसको। ये मदर्स डे कार्ड है, बहुत सुंदर है, वाव, ब्यूटीफुल कार्ड बनाए हैं आपने मम्मा के लिए, पापा के लिए, बर्थडे के लिए। लिखा भी है वेरी नाइस, मदर्स डे के लिए बनाया इसने। अब नेक्स्ट ये दो बार बन गए थे एक ही कार्ड, देखिए वाव, देखिए पूरा लिखा है इसमें, बहुत ही ब्यूटीफुल है ये, देखिए बहुत ही सुंदर कार्ड बनाए मेरे बेटे ने। फ्रेंड्स टू और कार्ड है, वो तो है ना हमने वो प्रिंट कर दिए है इसलिए वो अभी मेरे पास है नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ दिखाओ। फ्रेंड्स ये देखिए वो कार्ड है फादर्स डे कार्ड जो मैंने पापा के लिए बनाया था, इसको हमने प्रिंट कर दिया है मम्मा ने। और ये है मम्मा के मम्मा पापा की एनिवर्सरी का कार्ड, ये मैंने बनाया था, देखिए। ये जो भी बनाता है मैं इसे ना उसको ना लगा देती हूँ दीवार पे, बहुत सुंदर लगते हैं। शुरू से इस जब से मैंने इसे स्कूल में डाला, ये अच्छे अच्छे कार्ड बनाकर लेके आता था मेरे लिए मदर्स डे पे, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड बना के लाता था और घर पे बनाता था, तो मैं उन सभी को दीवार पे ऐसे डेकोरेट कर देती थी। इसकी हर एक चीज़ को मैं बहुत संभाल कर रखती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने ना कल है ना लैपटॉप में मैंने ना कोशिश की थी कि है ना हमारे स्कूल में ना एक बार कंप्यूटर क्लास में मैं गया था, तो है ना उधर बताया था कि आप है ना कंप्यूटर से पेंटिंग कर सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, तो मैंने वो दोनों चीज़ की और मैंने बहुत अच्छी की और मम्मा पापा को भी बहुत पसंद आई। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ पहले पेंटिंग और मैंने वो किसकी बनाई है वो भी। जस्ट वन मिनट, एक मिनट।
बस ये देखिए बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई है इसने लैपटॉप पे, बहुत ही सुंदर देख रहे हैं ना आप। अब आगे रियांशु आपको बताएगा। तो फ्रेंड्स पता है मैंने ना 2-3 बार ट्राई किया, क्योंकि है ना मेरे को ना कम से कम है ना 6 मंथ्स हो गए थे, क्योंकि है ना स्कूल भी क्लोज गए और कंप्यूटर नहीं है। वैसे मैं चला रहा था लेकिन है ना कभी मेरे माइंड में ख्याल नहीं आया कि जो हमें स्कूल में सिखाया है ना पेंटिंग ऐसे, तो वो मेरे माइंड में ख्याल ही नहीं आया। मैं बोलती भी थी कि है ना पेंटिंग बनाओ ऐसे, जो भी कर सकते हो ना वो करो, लेकिन मेरे को तब याद नहीं आ रहा था कि मैं कैसे करूँ कैसे करूँ। फिर मेरे को एक दिन आइडिया आया, फिर मैंने ना बनाना कोशिश किया और कल तो मेरे को थोड़ी सी मेहनत लगी। मैंने सन को येलो कलर दिया, होम को रेड, ऑरेंज, ये देखिए ये डोर है और ये डोर खोलने का और ये विंडो और ये है ना स्काई ब्लू दिया है। अभी तो मैंने ना बस इतनी सी बनाई है, और भी मैं बनाऊंगा। अब ये थी मेरी हाउस पेंटिंग, मैंने इसको नाम भी यही दिया है। अब मेरी ऐसे की तरफ चलते हैं। ये देखिए ये है ऐसे मेरा खुद का है ना, मतलब मेरी है ना जान इन्फॉर्मेशन है कि माय नेम इज रियांशु कुमार प्रजापति। बस इसमें सिंपल नाम दे रखा है मम्मा पापा का, मैं जयपुर में रहता हूँ, मेरा फेवरेट कलर क्या है, फुटबॉल क्या है, मेरे को ना कौन सी हॉबी पसंद है, मेरा फेवरेट गेम है फुटबॉल और मेरी हॉबी ड्राइंग, वो तो आपको पता ही है ना। तो ड्राइंग है, मेरा फेवरेट कलर वाइट है बस। और भी मैं आगे ऐसे लिखूँगा, जैसे स्कूल से प्रोजेक्ट आया कि है ना ऐसे लिखना है, तो मैं वो कर स्कूल में सबमिट भी कर सकता हूँ, क्योंकि आजकल तो सारे काम लैपटॉप से चलते हैं। मैंने बहुत बार देखा है कि है ना सब जो भी काम कर रहे हैं ना लैपटॉप से, आज तक तो डॉक्टर होते हैं ना, वो डॉक्टर हो कोई भी हो जो सबका काम आजकल, तो अगर लैपटॉप नहीं होता ना तो ऑफिस जो ऑफिस के है ना एम्प्लॉय होते हैं वो ना लैपटॉप से मीटिंग करते हैं, लैपटॉप से ही डेटा करते हैं। लैपटॉप जो जिनकी है ना कुरियर कंपनी होती है ना, मैंने उनके बारे में हमें बताया गया था कि वो भी है ना अपना डेटाबेस रखते हैं लैपटॉप में और फिर है ना उनके पास है ना जानकारी आती रहती है। तो आजकल है ना ये गैजेट्स बहुत काम आते हैं, टैबलेट हो, मोबाइल हो, मोबाइल से कहीं से भी बात कर सकते दूर, और आजकल तो वीडियो कॉल भी आ गई। अगर किसी को देखना पहले कैसे होता तो लेटर भेजते थे और वो भी 14 महीने भी लग जाते थे कभी कभी तो। इसलिए ना ये गैजेट्स अच्छे होते हैं और मज़े भी होते हैं और है ना आजकल बच्चों को सीखने से भी मिल रहा है। आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। बाय बाय।